और ये कितने सालों से चल रहा है ये एग्ज़ाम, ये सिस्टम? सिस्टम आप देखें तो जब ब्रिटिश लोगों ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में लिया लगभग 2 साल पहले, वो टाइम से ये रिक्रूटिंग की स्ट्रैटेजी चालू होगी। तो ब्रिटिशों को क्यों ज़रूरत पड़ी कि उस जमाने में ये एग्ज़ाम? हाँ, तो ब्रिटिश लोगों ने भारत में जो एंट्री की थी, देवेर एज अ ट्रेडर्स, करेक्ट, देन दे हैड यू नो वॉर्स विथ लोकल किंगडम्स, सो दे वन दोज वॉर्स एंड देन दे वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश देयर इम्पीरियलिज्म इन आवर कंट्री। और उसके लिए वो चलाने के लिए तो यू नीड द पीपल। आप बिहार में जाओगे तो वहाँ पे एक कहावत है कि दे कॉल इट द PMDM और द PMCMDM। तो वहाँ के जो पालक है अपने बच्चों को बोल देते हैं कि हम लोग आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, CM नहीं बना सकते, बट तू अच्छा पढ़ाई करेगा, वो सिस्टम में एंट्री के लिए एग्जाम अच्छी तरह से पास करेगा, जरूर तू DM बनेगा, DM बनना ही, हाँ, और जिले का प्रमुख हो जाएगा। CD देशमुख। ओ यस। तो 1915-16 में लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए, एंड व्हाइल ही वाज डूइंग हिज परस्यूइंग हिज एजुकेशन ही अपीयर्ड फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज ओवर देयर, कि वो पढ़ाई खत्म करके वो एग्जाम देके भारत में आए थे और रिजल्ट तो लगा नहीं था। तो उनका एक मित्र का उनको फ़ोन आया, ट्रंक कॉल आया लंदन से कि अभी ऐसा रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ है। तो उन्होंने अपने मित्र को पूछा कि दूसरा नंबर पे कौन है। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि पहला वो ही आएगा, एंड ही वाज द फर्स्ट। ऐसे कितने स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेसी में या अलग अलग पोस्ट पर अब हैं जो आपको लगता है कि ट्रेनिंग देने के बाद आपको गर्व महसूस होता है कि ये जो है? वन ऑफ माय आवर स्टूडेंट इज महेश भागवत, विवेक वाडेकर, NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का समीर वानखेड़े। अच्छा, समीर भी आपकी। एंड देन संदीप पाटिल, देन विश्वास नांगरे पाटिल। नमस्कार, कैसे आप लोग? तो हम में से कई लोगों को ऐसे लगता है कि देश का शासन और अनुशासन हमारे सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर चलाते हैं। नहीं, वो तो है ही, लेकिन उनके नीचे जो अफसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इनकी पॉलिसीज और इनके डिसीजंस को अमल में लाते हैं, उनको प्लानिंग में लाते हैं। तो इन अफसरों के पास एक पावर होती है, एक रुतबा होता है, और कई बच्चे इन अफसर की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, और इन एग्ज़ाम्स को कहते हैं UPSC PSC एग्ज़ाम्स। तो इसकी तैयारी करने के लिए बच्चे कई साल इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं पहले अटेम्प्ट में, कई बच्चे दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देते रहते हैं, और कई बार पता नहीं चलता कि आपके 5-6 साल 7 साल ऐसे निकल जाते हैं, और फिर थोड़ा सा डिप्रेशन भी आ जाता है और आगे कुछ करने का कोई उत्साह नहीं रहता। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं, ये जो साइकोलॉजी है बच्चों की, इसके लिए हमारे जो आज के बड़े आम हैं ना, वो इन बच्चों को मेंटर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको सही दिशा दिखाते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, जान लेते हैं कि ये UPSC PSC एग्ज़ाम्स क्या हैं, कब ये एग्ज़ाम्स, इसकी प्लानिंग हुई, और आज ये बच्चे इसको कैसे अमल में लाते हैं, कैसे इसकी पढ़ाई करते हैं, इनको क्या करना चाहिए, किस दिशा में रहना चाहिए, और आगे चल के इसकी सोच क्या होनी चाहिए, ये हम जान लेते हैं हमारे बड़े आम आनंद पाटिल जी। नमस्कार आनंद जी। नमस्ते। आज बड़ा आनंद हो रहा है कि आपके साथ UPSC और PSC इन एग्ज़ाम्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप इन एग्ज़ाम्स में आप मेंटर रहे हैं बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे इनसे, तो हम इसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी है इस एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि बहुत अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उनका एस्पिरेशंस होता है। तो पहले तो हम इससे शुरू करेंगे कि UPSC और PSC इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है?
यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ब्यूरोक्रेटी के लिए जितने भी ऑफिसर्स लगते हैं उनका रिक्रूट करने के लिए जो एग्ज़ाम रहती है वो कंडक्ट करती है, और दैट इज़ डन एट द नेशनल लेवल, भारत का प्रशासन चलाने के लिए। और हमारे देश में अभी जितने भी राज्य है, स्टेट्स, उधर अधिकारी के चयन करने के लिए जो कमीशन है उसका नाम रहता है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। महाराष्ट्र का हम लोग एमपीएससी बोलते हैं, गुजरात के लिए जीपीएससी, लाइकवाइज। ओके, और तो, ये हाँ, कितने सालों से चल रहा है ये एग्ज़ाम, ये सिस्टम? सिस्टम आप देखें तो जब ब्रिटिश लोगों ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में लिया, हाँ, लगभग 2 साल पहले, वो टाइम से ये रिक्रूटिंग की स्ट्रैटेजी चालू होगी। पहले एग्ज़ाम तो लंदन में हुआ करती थी। तो ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये लगभग 150 साल के पहले। 150 साल? 150 साल। ओह, या एंड पहली बार वो एग्ज़ाम वो लंदन में होती थी। अच्छा। और वहाँ का जो कमीशन था वो लेता था। हाँ। बाद में इंडिया में 1919 का एक एक्ट पास हो गया। तो ब्रिटिशों को क्यों जरूरत पड़ी कि उस जमाने में ये एग्जाम? हाँ, तो ब्रिटिश लोगों ने भारत में जो एंट्री की थी, दे वेर एज अ ट्रेडर्स, करेक्ट, देन दे हैड यू नो वॉर्स विथ लोकल किंगडम्स, सो दे वन दोज वॉर्स एंड देन दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर इम्पीरियलिज्म इन आवर कंट्री। और उसके लिए वो चलाने के लिए तो यू नीड द पीपल, and that to the educated, trained and the competent, so you need to recruit them, and वहाँ से लाएंगे आप लोग, मतलब ब्रिटेन से लोग आएंगे और भारत पे शासन करेंगे, इतना वो competent और that might not have been sustainable, तो वो लोगों को sustainable system भारत में which will help them to maintain or to rule the country, इसीलिए वो लोगों ने ये रिक्रूटिंग एजेंसीज और कमीशन चालू किया। तब से वो लोग ट्रेनिंग भी दिया करते हैं? ट्रेनिंग भी दिया करते हैं। अच्छा, वो 150 पुराना साल पुराना इसका इतिहास है। नहीं, अभी क्या है, देखिए कोई भी आधुनिक समाज में जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूट्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आफ्टर मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन गिवन टू द इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज अ पॉलिटी, और आप उसको ब्यूरोक्रेसी भी बोल सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्पिटेंट और क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी अदर इंस्टीट्यूट इन द सोसाइटी। आप देखिए तो इकोनॉमी इज अगेन कंट्रोल बाय द ब्यूरोक्रेसी, देन यू गो टू द एजुकेशन, कंट्रोल बाय द ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स भी ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है, इंडस्ट्री भी ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है, and that is why if you are part of that bureaucracy then you get the real feel of the power. So jo satta aur adhikar jo hai, those who are at the center of that bureaucracy, they are vested with those authorities, and so that is why everybody want to join those services, and that is why there is a lot of attraction. aap bihar mein jaoge to wahan pe ek kahawat hai, दे कॉल इट द पी एम डी एम और द पी एम सी एम डी एम। तो देश का प्रमुख जो होता है पंत प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, राज्य का प्रमुख होता है तो सी एम, चीफ मिनिस्टर, और जिले का प्रमुख जो होता है तो डी एम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो वहाँ के जो पालक है अपने बच्चों को बोल देते हैं कि हम लोग आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, सी एम नहीं बना सकते, बट तू अच्छा पढ़ाई करेगा, वो सिस्टम में एंट्री के लिए एग्जाम अच्छी तरह से पास करेगा, जरूर तू डीएम बनेगा, डीएम बनना ही, हाँ, और जिले का प्रमुख हो जाएगा। सो इसी के कारण तो डीएम सीएम पीएम, इसी के कारण देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, एंड देन ऑल द स्टूडेंट्स यू कैन सी फ्रॉम द आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईएम्स, नाउ दे आर इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर करियर इन द ब्यूरोक्रेसी, आई मीन दिस मल्टीनेशनल कंपनीज, so they feel that ki if I get the opportunity to work for the government of India or the government of Maharashtra as a bureaucrat, so that will definitely give me the good space to prove myself and to improve my status also. So MNC mein kya hota hai, you get a lot of what you can, the money you get, the perk you get, a lot of facilities, but as far as the samman jo bolte hain, samaj mein jo status hai,
So status you don't get. And so that is why everybody is attracted towards this career like that. So main मतलब status की बात. Status की बात. तो आप इस exam में कैसे आए और क्यों आए, मतलब बच्चों को train करने के लिए, इन exams के लिए बच्चों को mentor करने के लिए. Yeah, so आपका कैसे आना? मेरा ऐसा था कि जब मैं मेरा MBBS कर रहा था तो second year MBBS में I was selected for the AMC, Army Medical Corps. And okay. once I finished my MBBS, then I was doing my internship. And AMC ka internship mera Bangalore ka Air Hospital mein chalu tha. Okay. And so few of my seniors, they used to appear because medical field is always limited, no? Uh-huh. So to have a more scope and then even abhi main bola na, bureaucracy is controlling medicine also. Okay. Health, this thing also. Oh. So those used to be the, what you can call the secretary of the health department. They were not necessarily doctors, but they were IS officers from any stream. That is why few of my seniors at AMC, they were preparing for this type of the exams. I mean this UPSC civil services, even UPSC not only conduct for exam for the civil services, but they conduct exam for a combined medical services, Indian engineering services, then for the recruitment in the admission to the NDA or the CDS, for the railway. Lot of exams are, almost 18 types of the exams are conducted throughout year by the UPSC. Because when I was doing my internship in Bangalore, so that time I was attracted towards this type of the career, because already I was working with AMC, Army in a AMC. Okay. So over time I also appeared for this exam, taking those time that exam was different, now that it has been changed. So my age hai, so I'm talking about 1990s. Okay. So during that time you have to take two optional subjects. So hamara medical ke nazdik wale jo the zoology, botany, so I have taken that subject, and because of that I got a good score and my rank was a 69th, and so got selected. And then what has happened, so मैंने देखा कि AMC में एक good career है doctor के लिए, but again getting a chance to the post graduation to do MS, MD in Army Medical Corps, that system was very, you know, time taking. So I thought that कि no, I should you know, leave that and come to the mainstream. So that is why I just requested to relieve me. And then my internship, whatever I had done in AMC, was condoned. And then I did my internship in Maharashtra with the Civil Hospital Kolhapur and one rural hospital in Tasgaon. And during that time also, when I was working as a intern in Civil Hospital Kolhapur, so that time also because of certain those forensic cases, we came in contact with the administration lot. Especially Superintendent of Police in Kolhapur, Collector of Kolhapur, and our civil surgeon from Kolhapur. I thought he has a limited power than those collector or the SP, even though he was going to be playing, or many times he was playing a very vital role. Okay. And so then I also decided that near, so we should do career for that. And again I saw those students when I was in Bangalore, I have seen many students writing their exams in Kannada language. So I thought that ki why not our Marathi students should also write down the papers in Marathi, and because it is very easy for them. We decided to start our institute which will guide the students to write the exams of UPSC in Marathi language. Oh. And likewise we started the study circle. Oh nice. So abhi kitne students ne aapko abhi hum log dekhi in this part, yeah so you can quantify it, and we had a very good numbers and the records also. Okay. But again if you see from 1990 till today, so it is almost around more than 40 years. Okay. We are in this particular teaching and mentoring, so in this particular line. And mujhe to lagta hai abhi as far as the civil services exam and other exams are considered, which are conducted by the MPSC, the total number of the students who has taken, you know, the training, formal training from our institute is not less than 5 lakhs. Oh. And those who have got selected
टू द वेरियस पोस्ट क्लास वन क्लास टू ऑफिसर इंक्लूडिंग IAS IPS और DYSPs डिप्टी कलेक्टर्स और द टैक्स ऑफिसर द नंबर गोज इन द लैक्स. ऐसे कितने स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेसी में या अलग अलग पोस्ट पर अब हैं जो आपको लगता है कि ट्रेनिंग देने के बाद आपको गर्व महसूस होता है कि ये जो है. या या वन ऑफ माय आवर स्टूडेंट इज महेश भागवत. ही वाज पुलिस का फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ गच्ची दैट इन हैदराबाद दे हैव कम आउट विद द वन न्यू पुलिस कमिश्नर इट ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ दैट. ओके. प्रेजेंट इज वर्किंग एन एडिशनल DGP वॉट देयर. वन ऑफ आवर स्टडी सर्कल वॉट यू कैन कॉल एज अ फैकल्टी मेम्बर Vivek Wadekar, he is at a very senior post in this revenue department, and he has many times worked with the ED also. So then aapne iska naam to suna rahega, NCB Narcotic Control Bureau ka Samir Wankhede. He was also our student. Oh, acha, Samir bhi aapke yes, with our this thing. And then Sandeep Patil, then Vishwas Nangri Patil, you might be aware. Vishwas, you know. Yeah, so the many of the students, so presently, see, kya hai ki, if you get selected from the state services, you are promoted as a IAS officer or the IPS officer. Correct. For that also, you have to appear for the prepare for the exam. So in that also, we are having the number of the students. The present new commissioner of, municipal commissioner of New Bombay, municipal commissioner, Kailash Sunde is one of our student who earlier got selected as a section officer, but then got opportunity to work with the ministry and then gave the exam, qualified for the interview, got selected as IAS and is working at which earlier he was a joint director of the SIDCO, collector of Palghar, then CEO of Jilla Prishad Satara. So likewise we are having many students who are doing very good work and many times we feel proud of them. So, आपका जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है क्या ऐसा है, मतलब आप ही कहें कि जैसे जैसा आपने कहा कि एक स्टेटस का अट्रैक्शन होता है और पावर का अट्रैक्शन होता है. सो जो भी यूथ है उनको लगता है कि यार वो दोनों आ जाए तो फिर क्या बात है. करेक्ट. क्या ऐसा है कि आप ट्रेनिंग प्रोसेस में फिर उनको वो देते हैं कि भाई नहीं ये सर्विस ओरिएंटेड. करेक्ट करेक्ट. अभी क्या है, आप देखेंगे तो ये सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए एक साल में हमारे मतलब UPSC के पास जितने भी एप्लीकेशन आते हैं दे आर नॉट लेस देन 15 लाख्स. सो इफ यू सी द रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय द UPSC एवरी ईयर दे पब्लिश देयर रिपोर्ट, इट इज पब्लिश ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो. एंड इफ यू सी दैट रिपोर्ट इन दैट यू विल अंडरस्टैंड ओनली फॉर सिविल सर्विसेज मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स अपियर वंस ए ईयर एंड फॉर वेरियस अदर एग्जाम्स अनदर 15 लाख्स. सो 30 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर are appearing for the exam. Not necessarily they will pass all those stages and get selected, but they will try for that. Okay. So that is those who are applying, but those who are preparing are the more than that. So suppose a student is working or they're studying in the second year or the first year, or somebody from his or her family is an officer, so they get attracted towards that also. सो लाइक वाइज जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स है पावर कंट्री में, स्पेशली आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो हमारे राज्य में द ग्रेजुएट्स की जो संख्या है ये 4 करोड़ से भी ज़्यादा है. और उसमें से आप देखेंगे तो एटलीस्ट 40-50% प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ द एग्जाम. 40-50% क्या? तो हमारे स्टेट में आप बाहर जाओगे तो इट इज़ गोइंग टू बी द 60-70. आप बिहार और नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए एज आई टोल्ड यू द PM CM DM में गवर्नमेंट सर्विस के लिए हर बच्चा, मतलब नॉट ओनली द हायर पोस्ट बट एट द इन अ रेलवे ऑल्सो ग्रुप डी बिकॉज एवरी ईयर इन रेलवे एटलीस्ट 2 लाख ऑफिसर्स एंड देन कर्मचारी रिटायर होते हैं. उनकी तो भर्ती की जाती है. तो सालाना रेलवे में लगभग 1.5 लाख कर्मचारी भरे जाते हैं इंक्लूडिंग ऑफिसर्स. तो उसके लिए वो एग्ज़ाम जो होती है बैंक में ही होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी एग्ज़ाम लेती है. सो ये सारे जो है, सो यूजुअली एवरीबडी वांट टू सिक्योर देयर करियर. सो व्हेन आई एम इन द लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन आई लाइक टू एंटर इन टू द सर्विसेज एट अ वेरी लो लेवल. सपोज आई बिकम अ क्लार्क और द इंस्पेक्टर फॉर दैट मैटर असिस्टेंट, देन वंस आई जॉइन द सर्विसेज
मेरा एस्पिरेशन बढ़ेगा, देन आई वॉन्ट टू बिकम अ ऑफिसर. सो लाइक वाइज स्टूडेंट्स आर प्रिपेरिंग. यस, एंड जैसा आपने कहा कि अगर 100% ग्रेजुएशन का वो है, उसमें से 40% to 50% इस एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं, तो इसमें से सक्सेस रेट कितना होता है, कितने स्टूडेंट्स पास? हाँ, सो अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हमारी इधर यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया. हाँ, 1200 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है कैंडिडेट्स. ओके, देन वो 1200 फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है उसके लिए एज आई टोल्ड यू प्रीलिम में 1500000 बच्चे बैठे थे. ओ, 1500000 में से 1200, सो यू कैन से द 0.01%, उसमें से वो प्रीलिम पास होते हैं, वो मेंस के लिए जो जाते हैं उनका डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज 15000 तक वो मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए डिपेंडिंग अपॉन द 3 times. सो लगभग 3,000 to 3,500 इंटरव्यू के लिए थे. तो 1500000 फिल्टर होते हैं, 1500000 से 15000, 15000 से 3,500, 3,500 से 1200. सो दिस इज द वी थ्रू आउट द ईयर. यूजुअली द प्रीलिम्स इज द मंथ ऑफ द जून, मेंस इज द मंथ ऑफ द नवंबर डिसंबर, and the next year interview will be in the month of March to April, and the result will be declared 1 month before the next year's exam, prelim exam. तो जो success होते हैं उसके बाद जो रह जाते हैं वो फिर attempt देते देते अभी जो इस साल में जो पहला आया UPSC का topper, he was earlier selected as a IPS officer. उसने तो 3 या 4 बार exam दी थी, और he was undergoing training as a IPS officer at हैदराबाद पुलिस अकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, एंड वाइल अटेम्प्टिंग दैट आर द गोइंग अंडर द ट्रेनिंग ही अपीयर फॉर द एग्जाम एंड ही टॉप द होल यू नो द मेरिट एंड नाउ ही विल बी आईएएस ऑफिसर. ओह या, अभी कभी कभी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप हो जाते, मतलब इफ यू एंटर इन टू द सर्विसेज बिफोर द एज ऑफ 25, देन यू कैन हैव अ वेरी रिच सर्विस. सो यू कैन रीच अप टू द हाइएस्ट लेवल. सी, अभी जैसे देश का प्रमुख पंत प्रधान है, ही इज अ पॉलिटिकल हेड, और वी कॉल इट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. सो लाइक वाइज वी हैड अ ब्यूरोक्रेसी. सो देश का जो ब्यूरोक्रेटिक हेड है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, राज्य का जो ब्यूरोक्रेटिक हेड है उसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं. लाइक वाइज पुलिस का भी हेड रहता है, DGP हम लोग बोलते हैं उसको. लाइक वाइज वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऐसे ऑफिसर्स रहते हैं. और अगर कोई 25 साल के पहले अगर एंट्री होता है IAS और IPS होता है, ही कैन लीड द टॉप मोस्ट पोस्ट. अभी हमारे एक IPS ऑफिसर सदानंद दाते जी, सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ DGP NIA. सो पहली बार कोई मराठी IPS ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ अ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली. कम उम्र में, वो भी कम उम्र में. सो दैट इज़ हाउ, मतलब you have to get selected before the age of 20. Earlier you enter into the services, you will get a very good and the rich career. Of course. Like that. तो ये मतलब ये earlier, मतलब ये जो attempt pass करते हैं या जो hurdle pass करते हैं, इनके कोई खास qualities होते हैं इन students के? Students की qualities का उतना तो I won't say that कि these qualities only should be. Those students who are having these qualities only will get selected. It's not like that. Okay. Now, if you see this has a legacy of almost 100 plus years. Correct. 1970 में एक मराठी युवक, आपको मालूम रहेगा बाद में वो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे अपने देश के. उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के टाइम दिल्ली का एंटी मराठी एटीट्यूड देख के रिजिग्नेशन दिया था, और उनका नाम है चिंतामणि देशमुख, सीडी देशमुख. ओह यस. तो 1915-16 में लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए, एंड व्हाइल ही वाज डूइंग हिज परस्यूइंग हिज एजुकेशन ही अपीयर्ड फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज ओवर देयर. एंड किस्सा उनके बारे में ऐसा है कि वो पढ़ाई ख़त्म करके वो एग्ज़ाम दे के भारत में आए थे, और रिजल्ट तो लगा नहीं था. तो उनका एक मित्र का उनको फ़ोन आया, ट्रंक कॉल आया लंदन से कि अभी ऐसा रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ है. तो उन्होंने अपने मित्र को पूछा कि दूसरा नंबर पे कौन है. तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि पहला वो ही आएगा, एंड ही वाज द फर्स्ट. 1970 में, ऑलमोस्ट 150
107-8 साल पहले. वाओ. और उसके बाद हमारा व्हाट यू कैन द बैड लक फॉर द मराठी यूथ कि नॉट अ सिंगल गाय हैज स्टॉप द सिविल सर्विसेज आफ्टर दैट. वो तो बैकलॉग है हम लोगों मतलब आवर स्टूडेंट्स हैव टू फुलफिल दैट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. वो स्टील ही कुछ अलग होगा. वो क्वालिटी कुछ अलग. जो अभी उनका जो आप क्वालिटी पूछे उसका बता देता हूँ. उन्होंने जो एग्ज़ाम जो लिखे थे जो पेपर्स लिखे थे उसमें पेपर में ढांचा ये रहता है तो उसमें दे यूज टू आस्क दैट टाइम 10 क्वेश्चंस एंड दे यूज टू आस्क राइट डाउन एनी आंसर्स ऑफ द एनी 6. हाँ तो श्री देशमुख साहब ने क्या किया था वो टाइम अपने आंसर शीट में 10 का 10 क्वेश्चंस का अंतर लिखा था और ऊपर ऊपर इंस्ट्रक्शन लिया था मैंने 10 लिखा है आपको जो 6 चुनना है वो चेक करिए. सो दैट टाइप ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल यू नीड टू हैव. करेक्ट. वो टैलेंट भी है मतलब. तो जैसा अब ये बच्चे पहले अटेम्प्ट में नहीं होते हैं या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होते कितने अटेम्प्ट्स करते रहते हैं बच्चे. अभी इट डिपेंड्स क्या है. सो अगेन दिस इज अगेन वेरी व्हाट यू कैन द फ्लूइड सिस्टम. सो व्हाट इज द फ्लूइड सिस्टम. हम लोग जब करते बैठे देते थे 1990s में वो टाइम पे सिस्टम अलग थी और अभी की सिस्टम अलग है. अभी क्या हुआ है ओपन कैंडिडेट जो रहेगा मतलब खुला संवर्ग से जो कोई भी स्टूडेंट रहेगा उनके लिए अटेम्प्ट की संख्या 7 है. OBC रहेगा उनके लिए यह अटेम्प्ट की संख्या ज़्यादा है और SC ST इसके लिए जितने भी अटेम्प्ट टिल यू आर अटेंडिंग यूर मैक्सिमम एज यू कैन अपेयर फॉर द एग्जाम. ओके. सो द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 21 एंड मैक्सिमम इज 32 फॉर द ओपन एंड देर इज रिलैक्सेशन ऑफ द 5 years फॉर वेरियस कैटेगरीज. अच्छा तो ये जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम है जो ट्रेन किया जाता है बच्चों को एग्जाम के लिए जो भी पढ़ाया जाता है उसका क्या यूनिफॉर्मिटी है कि उसको. सी आई विल टेल यू सो दिस इज वेरी इट्स नॉट एनी फॉर्मल सिस्टम ऑफ द ट्रेनिंग फॉर द से गेटिंग सिलेक्टेड. सो कैसा है ऑफ द लेटेस्ट द सिस्टम है. सो दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र पृथ्वीराज चव्हाण साहब जब MOS मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफ मनमोहन सिंह साहब वो टाइम प्राइम मिनिस्टर थे पृथ्वीराज चव्हाण साहब उनके MOS थे और उनके अंडर मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द PMO में ये DOPT आता है. DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और वही ये सब भी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है. रिक्रूटमेंट का सिलेबस क्या होना चाहिए ये कैसी रिक्रूटमेंट की जाएगी प्रक्रिया कैसी हो जाएगी सिलेबस क्या होगा ये सब एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द DOPT. एंड एक बार क्या हुआ चव्हाण साहब को एक रिपोर्ट आया था बाय द बिकॉज ये क्या है कि UPSC कंडक्ट दिस सिविल सर्विस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस 36 कैडर्स. सो कैडर इज नहीं बट एक डिपार्टमेंट के लिए जो ऑफिसर रहते हैं उनका जो कई ये जो है रैंक है उसको कैडर बोलते हैं. सो ऐसा 36 कैडर के लिए वो एग्जाम कंडक्ट की जाती है. सो जो 12 से लोग अभी जो सिलेक्ट हुए डिपेंडिंग अपॉन दोज वैकेंसीज आउट ऑफ दोज 36 कैडर्स दे विल बी सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन देयर मेरिट एंड देयर चॉइस टू दोज 36 कैडर्स. सो या सो हियर वो जो कैडर में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है. तो वो ट्रेनिंग के लिए वो जितने भी अभी देखिए जिसका सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए होता है उनका ट्रेनिंग आफ्टर फाउंडेशन कोर्स नागपुर में होता है. अगर अभी बोला मैं IPS के ये होता है फाउंडेशन कोर्स मसूरी में हो जाएगा उसका ट्रेनिंग आगे का सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी हैदराबाद में हो गया पुलिस. सो लाइक वाइज रेलवे अकाउंट्स है देन सिग्नलिंग है. सो थ्रू आउट आवर कंट्री में ऐसे 16 ट्रेनिंग एजेंसीज है हु गिव द ट्रेनिंग टू दिस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू बिकम ऑफिसर. तो कैंडिडेट्स के लिए चॉइस होता है क्या कि मुझे इस कैडर में जाना है कि गवर्नमेंट में चॉइस होता है बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट इज द नंबर ऑफ द वैकेंसी इन योर कैटेगरी द सेकेंड योर मेरिट एंड थर्ड इज योर चॉइस. आपने पहला चॉइस दिया इसलिए आपको मिला ऐसा नहीं होता है. अच्छा. वो वैकेंसी भी अभी देखिए ओपन के लिए IFS देखेंगे आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज
ओपन के लिए इतनी क्या ये नहीं होती ना वैकेंसीज नहीं होती है, मुझे IFS होना है, इसलिए मैंने पहला प्रिफरेंस दिया और मैं मेरिट में नहीं आया तो मुझे नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ द वैकेंसीज, अगर मुझे ये साल में मेरा मेरिट ज़्यादा है बट वैकेंसी नहीं है तो मुझे वो पोस्ट नहीं मिलेगी। सो लाइकवाइज, सो द नंबर ऑफ द वैकेंसीज, देन मेरिट, एंड देन थर्ड इज द चॉइस। अभी ये ऑल दिस डायरेक्टर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग एजेंसीज, दे गिव देयर रिपोर्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिज दे वेर गेटिंग बाय दिस रिक्रूटमेंट सिस्टम एंड दे वेर नॉट हैप्पी। सो दे ओपन दैट देर इज सम लैक्यूनिज इन दिस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, देर शुड बी सम चेंज। एंड सो लाइकवाइज चौहान साहब ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ऐसा एक कमिटी अपॉइंट किया, SK सिन्हा करके उसके चेयरमैन थे, और उन्होंने क्या किया कि ये रिक्रूटमेंट सिस्टम में हम लोग बदलाव करेंगे। वो बदलाव भी लाया था, उसके ऊपर अपना पार्लियामेंट में डिबेट भी हुआ था, एंड देन दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम कॉल्ड एज ए CSAT फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। देन दे ओवरऑल द होल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑल्सो, द वेटेज ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज लेस, दे इंट्रोड्यूस सर्टन न्यू पेपर्स, एंड लाइकवाइज अभी का जो एग्ज़ाम है उसमें मेन एग्जाम में देर आर द 4 जनरल स्टडीज पेपर्स, द 1 SA पेपर कंपलसरी, 1 ऑप्शनल, ऑप्शनल का भी उन्होंने वेटेज कब किया, पहला ऑप्शनल के लिए 3 घंटों में आपको पेपर 300 मार्क्स के लिखना पड़ता था, अभी 3 घंटों में 250 मार्क्स के लिए लिखना पड़ता है। एंड देन अकॉर्डिंगली दे आर डिज़ाइन दिस सिलेबस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर टू टेस्ट द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट टू बिकम अ ऑफिसर। सो बेसिकली कमीशन का इंटेंशन क्या है कि वो जो खन्ना कमेटी बोलती है उसके हिसाब से वी शुड रिक्रूट द कैंडिडेट और द सिलेक्ट द कैंडिडेट हु कैन सक्सेसफुली अंडरगो द ट्रेनिंग एट द रिस्पेक्टिव कैडर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सपोज आप IAS के लिए सिलेक्ट हो गए, तो IAS के लिए सिलेक्ट जनरली कौन होते हैं, दोज़ आर विद इन फर्स्ट 200, देन IIPS के लिए रहता है, बीच में IFS रहते हैं, उसके बाद IRS ग्रुप ए ग्रुप बी एंड देन अदर सर्विसेज लाइक दैट। ओके, सो द मेन इंटेंशन ऑफ द सिस्टम इज टू सिलेक्ट द कैंडिडेट हु इज यू नो एलिजिबल और एफिशिएंट टू अंडरगो द ट्रेनिंग इन दैट रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।